हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है इंटरस्टेट रिलेशंस। इंटरस्टेट रिलेशंस में बेसिकली हम तीन आर्टिकल्स करेंगे, आर्टिकल 131, 263 एंड 262। 131 क्या कहता है? 131 कहता है कि अगर किसी दो स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए उसको सॉर्ट आउट करने के जो काम है वो किसका है? वो सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव यूरिस्डिक्शन के अंडर आता है। जबकि आर्टिकल जो 262 है, 262 में भी सेम ही बात है कि दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको कौन देखेगा? उसको देखेगा सुप्रीम कोर्ट। बट आर्टिकल 262 में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करी गई है कि इन केस दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, रिवर वाटर डिस्प्यूट है या रिवर वैली डिस्प्यूट है, तो उसके लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप करा जाएगा फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप करा जाएगा अंडर आर्टिकल 262। तो आर्टिकल 263 क्या कहता है? आर्टिकल 263 कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सेटअप करी जाएगी जिसका नाम क्या होगा? इंटरस्टेट काउंसिल। तो इंटरस्टेट काउंसिल उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी जो भी डिस्प्यूट चल रहा है दो स्टेट्स के बीच में। आर्टिकल 262 में पर्टिकुलरली वाटर डिस्प्यूट की बात करी गई है, ठीक है? तो आर्टिकल 262 में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप होगा। नेक्स्ट है जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का जो मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट करने का जो काम है वो किसकी यूरिस्डिक्शन के अंडर आता है? वो सुप्रीम कोर्ट की यूरिस्डिक्शन के अंडर आता है। अगर दो स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट है तो उसमें किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, ना तो वहाँ की कोई हाई कोर्ट कुछ कर सकती है ना ही कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट कुछ कर सकती है। वहाँ पे जो उस स्टेट के बीच का जो डिस्प्यूट है उस पे जो उसकी जो यूरिस्डिक्शन है वो किसकी है? वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती है। क्योंकि देखो दो स्टेट्स के बीच में है वो, तो जब अगर हाई कोर्ट उसके बीच में आएगी तो वो दोनों हाई कोर्ट्स हो जाएगी ना, तो वो तो हाई कोर्ट्स के बीच का डिस्प्यूट हो जाएगा। तो इसलिए अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसकी जो यूरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की यूरिस्डिक्शन के अंडर आएगा वो। इसके अलावा अंडर आर्टिकल 263 क्लॉज ए के अंडर एक इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाई गई थी, और ये वाली जो इंटर स्टेट काउंसिल बनी थी ये बनी थी थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। कब बनी थी? 28 मई 1990 को बनी थी अंडर आर्टिकल 263 ए, ठीक है? इसमें इंटर स्टेट काउंसिल जो बनी थी वो बनी थी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू बनी थी 1990 में। इंटरस्टेट काउंसिल में कौन कौन होता है? इंटरस्टेट काउंसिल में एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसके अलावा 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और जितनी भी स्टेट्स हैं सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आते हैं और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं। जो सरकारिया कमीशन था जिसके चेयरमैन जस्टिस आर एस सरकारिया थे, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के थ्रू एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाई गई थी फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन, सो दैट कि स्टेट और यूनियन के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो उसके लिए एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाई गई थी सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से। इंटरस्टेट जो काउंसिल है, इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और इसकी मीटिंग साल में 3 बार होती है। इन जो काउंसिल्स है इसको 5 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी जोन है? एक तो सेंट्रल जोन है, नदरन जोन, वेस्टर्न जोन, सदरन जोन एंड ईस्टर्न जोन। सेंट्रल जोन में कौन कौन सी स्टेट्स आती है? यूपी, एमपी, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। नदरन जोन में आता है हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़। वेस्टर्न जोन में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सदरन जोन में आता है आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना एंड पुदुचेरी। एंड ईस्टर्न जोन में आता है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। अब देखो ये 5 जोन्स है, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स नहीं आती। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है
कौन कौन सी? असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। ये इन 5 जोन काउंसिल्स में इंक्लूडेड नहीं है। उनकी जो भी स्पेशल प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे देखा जाता है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेटअप करी गई थी अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972। तो उनकी स्पेशल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पास जाया जाता है। जब इनिशियली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनी थी उस टाइम पे सिक्किम उसमें एडेड नहीं था। बाद में 2002 में सिक्किम भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में ऐड कर दिया गया था। जो भी ये जोनल काउंसिल्स है, हर जोनल काउंसिल में एक तो होता है चीफ मिनिस्टर जोनल का, ठीक है। जैसे कोई भी आप ले लो, इसमें से सेंट्रल जोन ले लो या नॉर्दर्न जोन ले लो, इसमें से एक तो इसका चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 और मिनिस्टर्स होंगे, जो कि जितनी भी जोनल काउंसिल की स्टेट्स है, हर स्टेट में से 2 और मिनिस्टर्स आएंगे। अगर यूटी है तो यूटी में से एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएंगे, राइट। तो जो इसका कॉमन चेयरमैन होता है, जितनी भी ये सारी की सारी जोनल काउंसिल होती है, ये सारी जोनल काउंसिल्स का एक चेयरमैन तो होगा ही। चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन होता है यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, और ये नॉमिनेटर होता है। ये सारी की सारी जोनल काउंसिल का एक कॉमन चेयरमैन होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।